नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आज फिर टेक्नो प्लस स्टडी चैनल पर आपका एक बार स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए फिजिक्स का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। जो आप पार्ट का नाम जानते हैं, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय ये पार्ट का नाम है। इस पार्ट में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और इसका फर्स्ट पार्ट जो है वैद्युत आवेश और ये क्षेत्र संबंधी जो पार्ट है उसका हम पार्ट का वीडियो डाल चुके हैं। आप जाकर डिस्क्रिप्शन से लिंक से चेक कर सकते हैं, नहीं तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। 12th का NCERT का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो उसमें जाकर चेक कर सकते हैं। तो अभी तो हम आपका लेसन बताएंगे। आज का पार्ट है वैद्युत फ्लक्स और गॉस का प्रमेय। तो इसमें का नंबर वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप इतने क्वेश्चन को तैयार रखते हैं, इस क्वेश्चन को इस तरह पढ़ते हैं, तो इस तरह पे जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो आप आराम से हल कर सकते हैं। बस आपको इसको दिमाग में रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, जैसा कि सामने आपको दिखाई दे रहा है। वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाना है इस प्रश्न को। और इसका इस तरह भी क्वेश्चन बन सकता है जैसा कि दिया गया है। तो वैद्युत फ्लक्स और वैद्युत क्षेत्र में संबंध आपको बताना है और इसका सूत्र निकालना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है और इसका आंसर भी है। इसका PDF हम आपको दे देंगे, बस आपको कमेंट करना है और हमसे जुड़ना है। हम सारी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो इसमें हम ये बताना चाहते थे कि ये आपका जो हम ये कलेक्शन लेकर आए हैं, ये आपका सभी अवतार और तरह तरह की पुस्तकों से मिल जाएगा आपको। तो आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं कोई गाइड लेने की। आप यहाँ से नोट कर लीजिए, आपको 100% नंबर मिल जाएगा। तो ये है आपका, इसका आंसर आपको हम दिखाते हैं। इसका आंसर ये है, आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं। धीरे धीरे हम खिसका रहे हैं, ये इसका आंसर है। इसका आंसर भी हम हल करा देते पर टाइम लगेगा, इसलिए आंसर हल कराने में समस्या हो रही है हमें। तो प्रॉब्लम समझ सकते हैं। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। एक समान आवेशित अचालक गोले के भीतर किसी बिंदु पर गैस के प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। ये चीज़ है आपका। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है और वो भी एक समान आवेशित अचालक गोले के भीतर आपका गैस का प्रमेय और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र स्थापित करना है। इसके बाद गोले के बाहर भी बिंदु पर आवेश आएगा। तो गोले के भीतर गोले के बाहर दोनों तरह का याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर आपका इस तरह है जैसा कि हम दिखा रहे हैं। यह क्वेश्चन का आंसर आप एक एक करके पॉज करके वीडियो को लिख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो उसके बाद आपका ये यहाँ तक था। ये अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से ये क्वेश्चन है आपका। गैस के नियम को लिखिए, इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट बिंदुओं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकालना है। समतल चादर के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ये आपका गैस के नियम को लिखना है, पर आपको समतल चादर के निकट बिंदुओं पर अनंत विस्तार हो और इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आप यहाँ से नोट कर लेंगे, ये सारा चित्र और इसका सॉल्यूशन है, आप यहां से नोट कर लीजिएगा। यहां से इतना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरह है, आपका न्यूमेरिकल है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर ये चीज़ है आपका उस, तो इसमें आपको ये न्यूमेरिकल आपको हल करना है। एक समान आवेशित चाल की गोले का व्यास 2.4 मीटर है तथा आवेशित का पृष्ठ घनत्व 80 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। पहला है गोले का आवेश ज्ञात करना है और दूसरा गोले से पृष्ठ वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सा सवाल है, आप इसको देख लीजिए, हल कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको अगर हल कर लेते हैं इससे जुड़ी हुई सारी सवाल हल कर सकते हैं। बस एक क्वेश्चन आपको ये हल करना है। इसमें आपका देख लीजिए, क्यों बराबर सिग्मा गुड़े 4πr² का सूत्र लगा हुआ है यहाँ पर और
दूसरा फाइव बराबर लगा हुआ कुला बेस या स्पाइनल जीरो इसको कहते हैं, ये चीज़ लगी हुई है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जैसा कि आपको देख रहे होंगे ये क्वेश्चन है अगला, कि दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के बहुत निकट और समांतर हैं, प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठों के घनत्व के परिणाम 17×10^-22 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है, प्लेटों के बीच के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ये चीज़ निकालना है आपको। इसको आपको कैसे हल करना है, सारी चीज़ें आपको दी गई है यहाँ पर, और क्या क्या करना है नीचे आपको यहाँ पर, ये चीज़ हल है, ये हल है आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसके नीचे ही है, जैसा कि आपको देख रहे हैं हम दिखा दे रहे हैं, ये चीज़ है कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेश सीधे तार कर रेखे का आवेश घनत्व 10×10^-8 कूलम प्रति मीटर है और तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, और बहुत सिंपल है, ज़्यादा बड़ा नहीं, ये इसका उत्तर है, आप यहाँ पर हल करके देख लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये आपका छोटा क्वेश्चन है, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, धनात्मक और ऋणात्मक जो सिग्मा है, पृष्ठापित घनत्व की दो समांतर प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र का सूत्र लिखना है, बस सूत्र आपको लिखना है, इतना सा सूत्र है, आप इसको आराम से हल कर सकते हैं। जो स्पाइनल जीरो आपका मान है, ये आपका वाई की वैद्युतशीलता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसके नीचे है, ये पढ़ सकते हैं, इसमें आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालना है अब इस घनत्व के हिसाब से, तो ये आपका इस तरह से रहेगा। ये दोनों क्वेश्चन छोटे हैं और आपको बहुत ही लाभदायक है। तो इस क्वेश्चन में बहुत, इस पार्ट में आपको बहुत ज़्यादा नहीं था, बस थोड़ा सा ही था, तो थोड़ा सा आपको बता दिए हम, और इसमें थोड़ा सा हल कर आपको याद करना है, बाकी आपको अगला पार्ट लेकर आएंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, बहुत क्वेश्चन होंगे, थोड़ा टॉप 10 में रहेंगे, इसमें आपका टॉप 6 में ही है, तो 6 क्वेश्चन आप तैयार करके रखिए, इसमें से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन। और इस तरह के क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटर के सारे सब्जेक्ट के सैल्यूस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे हम सारे सब्जेक्ट के क्रम वाइज, आपको बस आपको चैनल को आपको सब्सक्राइब करके आपको लाइक करके कमेंट करना है, गलत सही जो भी कमेंट करें आप कर दीजिए, पर आप मेरी मेहनत या किसी भी चैनल जो भी है जिस पर देख रहे हैं, जो भी मास्टर हैं, सभी के पढ़ाई गए नियमों को आप समझिए और उनके कमेंट कीजिए, गलत कमेंट नहीं करना चाहिए किसी को भी। तो आप, हम आशा करते हैं आप वीडियो को आप थोड़ा सा लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे और हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और अपने मित्रों को भी जोड़ेंगे, हाई स्कूल से सारी वीडियो इंपॉर्टेंट डाल देंगे, इंटरव्यू भी डाल दिए हैं। तो आप स्टूडेंट हैं, आप जो भी हैं, आपको कंप्यूटर और मोबाइल समझिए, टेक्निकल वीडियो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, आपकी कोई भी कंप्यूटर की कोई भी प्रॉब्लम हो सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे, आपको कमेंट करना है और जो भी प्रॉब्लम हो हमको बताना है, हाई और आपको कंप्यूटर कोर्स कौन सा करना है उसके हिसाब से माध्यम से वीडियो डाल देंगे, बस आपको थोड़ा सा साथ देना है। मैं एक दिन ऐसी वीडियो डालूँगा, इतनी अच्छी वीडियो डालूँगा तो आपको खुद एहसास हो जाएगा, तो बस आपको थोड़ा सा सहायता करना है, हमारी हौसले को बढ़ाना है, इसके लिए आप प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा, लाइक एंड शेयर, और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।